अब मैं आपको इसका इन्वर्टर भी दिखाता हूँ। ये इन्वर्टर है, ये नॉक्स की कंपनी का इन्वर्टर है और ये 17 एम्पीयर की एमपीपीटी के अंदर आता है, जो कि हमारे पैनल के एम्पीयर जो कि 14 तक चले जाते हैं तो वो इसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, इसको आप डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन जो है वो शो कर देता है कि आप क्या बना सकते हैं। आप अगर कैमरा करीब ले जाना तो इसके ऊपर डिस्प्ले में दिखाएं कि ये इतने यूनिट्स जो है वो बना चुका है इस वक्त। और जो है अपना ना ये टोटल आज जो इसने बनाए हैं वो पीवी की एनर्जी के ऊपर वो 46 यूनिट है, और जो अभी तक टोटल इसने बनाए हैं वो 902 है। टोटल जो है वो 902 इसने बनाए एनर्जी के ऊपर। और ये इसकी आपको एमपीपीटी दिखाता हूँ, इसमें डबल एमपीपीटी है, एक स्ट्रिंग इसमें लग जाती है, एक स्ट्रिंग इसमें लग जाती है। ये वाईफाई इसका ऑपरेटिंग है, वाईफाई अपना ऐसे वाईफाई मोबाइल के ऊपर खोल के दिखाएं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर। ये इसकी प्रोटेक्शन डिवाइस हमने लगाई है, इसमें श्नाइडर के ब्रेकर्स हैं, इसके हर स्ट्रिंग का अलग अलग ब्रेकर है कि खुदा ना खास्ता डीसी इनपुट आए तो अलग अलग से ब्रेकर जो है वो ट्रिप करते हैं। एक एसपीडी जो है ये वापदा की एसओपी के अंदर आती है कि नेपरा ने कहा हुआ है कि एसओपी के लिए आपने एक एसपीडी लाजमी लगानी है। और उसके अलावा इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन एसपीडीज भी होती हैं, फिर भी हम एसपीडी यहाँ पर लगाते हैं प्रोडक्शन क्राइटेरिया के लिए और नेपरा की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा ये डीसी एसपीडीज दो लगी हुई हैं, एक डीसी ब्रेकर और डीसी एसपीडी डीसी कनेक्शन के लिए, और एक डीसी ब्रेकर और डीसी एसपीडी दूसरी स्ट्रिंग के डीसी कनेक्शन के लिए। और ये एसपीडी हमने लगाई है एसी, जो हमारा करंट उधर जा रहा है उसके लिए एसी की लगाने के लिए। जहाँ से अब आपकी फिनिशिंग देख रहे हैं सिस्टम की, किसी भी ड्राइंग रूम में किसी टीवी लॉन्च में लगा हो तो आप इसके ऊपर ब्यूटी पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता। हम खूबसूरती का बहुत ख्याल रखते हैं ताकि किसी के घर की जो ब्यूटी है वो बैठे तो वो अच्छा लगे, बुरा ना लगे। कोई भी वायर हमारी ओपन नहीं आती, यहाँ से हमारा चला जाता है डीबी के अंदर, यहाँ से हम इसको वापदा की कनेक्शन दे देते हैं और उसके बाद जो है ये सिस्टम ऑपरेटिंग होता है। अब मैं आपको इस घर का मीटर दिखाता हूँ कि नेट मीटर किस तरह का होता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन हैं कि नेट मीटर जो है वो लग जाता है, कितनी देर में लगता है, क्या वो हम वापदा को बिजली दे सकते हैं, क्या ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये क्या है। अब मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ कैसा है और उसमें किस तरह से आप उसकी रीडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसे पास करने।